नमस्कार, जानकारी खबर में आपका स्वागत है। ये रिजल्ट उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ बाराद्वारा स्थित 99 दुकानों को नगर निगम द्वारा जबरदस्त जोड़े जाने के संबंध लेकर 99 दुकानदारों के परिवार एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन पर कई दिनों से बैठे हुए, लेकिन नगर निगम के हड़दंगी के कारण ये लोग परेशान है। उनका ये मानना है कि जब तक नगर निगम हमें किसी अन्य दुकानों को मुहैया नहीं करा देगा, तब तक हम अपनी इन दुकानों को छोड़ने नहीं देंगे, यानी कि हाथ में ना करने को मजबूर हैं। अगर नगर निगम दुकानों को तोड़ता है तो दुकानदारों को कहना है कि हम आत्मदान करने को मजबूर हैं, क्योंकि नगर निगम को भाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। देखें खबर विस्तार से और जानकारी करते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समय धरना प्रदर्शन पर मौजूद हैं और इनसे जाने के क्या है पूरा मामला, देखते रहिए क्रांतिकारी खबर विस्तार से। समाचार में आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने इन गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये लगभग 70 सालों से दुकानें यहाँ पर होती आ रही हैं, नगर निगम इनसे किराया वसूलता रहा है, आज इनको अवैध घोषित करके तोड़ने का नोटिस दे दिया है। क्योंकि पीछे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पार्किंग बन रही है, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन इन गरीबों की दुकानों को उजाड़ कर अगर विकास होगा, गरीब परिवारों के बच्चों को की हत्या करने के बाद विकास होगा तो ये विकास नहीं होगा, ये तो एक विनाश हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है, जब 70 साल से दुकानें यहाँ हो रही हैं, आपको किराया मिल रहा है, तो आज ये अवैध कैसे हो गई? जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि अगर 12 साल से कोई भी किसी भी जगह पर काबिज है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो उसका मालिक होता है। तो ये तो 70 साल से है यहाँ, अगर ये अवैध हैं तो आप यहाँ से देखेंगे वो बाराद्वारी बारह खम्बा चौराया है, अरे भी स्तंभ है, वो भी अवैध है, वहाँ दुकानें उसे भी खाली कराए नगर निगम। ये सामने वाली यूसुफगंज मंडी 13 बीघा जमीन है, ये भी तो अवैध है, इसको खाली कराए नगर निगम। नगर निगम की सरकारी जमीन ऊपर कोट पर बालाई किला है, पुरानी तहसील, उसे भी कराए खाली, वहाँ भी तो अवैध कब्जा है। और जो ये जो नोटिस दिया गया है नगर निगम से, ये आज आपको कितने दिन के अल्पासन के अंदर दुकान खाली करने के लिए बोला गया है? इनको कोई इसमें नोटिस नहीं है, बड़ी कोई कहानी है तो उससे कोई काम नहीं चलने वाला। दुकानदारों को लिखित में कोई नोटिस दिखाएं, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश दिखाएं, और या फिर नगर निगम अपनी इसको संपत्ति के कागज दिखाए। ये तो भारत के निवासियों की संपत्ति है, भारत लोग के रहने वाले लोगों की संपत्ति है, इस पर ये 70 साल से है, आज़ादी नहीं हुई उससे पहले से बारे दुकानें करते आ रहे हैं, तो ये नगर निगम के कहाँ से हो गई? तो आज ये मामला है जो आप लोग यहाँ करने पे बैठे हो, ये किस बात को कहकर के इन दुकानों को खाली कराना चाह रहे हैं? ये गरीब लोगों की जमीन को हड़पना चाहता है नगर निगम, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, कुछ बड़े लोगों का हाथ है जो कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, वो दुकानें ले लेंगे, इन गरीबों को यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ कई संगठन इन गरीबों के साथ हैं, उसमें एक भ्रष्टाचार विरोधी सेना भी शामिल है। अगर नगर निगम के अधिकारी या नगर निगम लगातार इस बात को संज्ञान में नहीं लेगा तो आपके साथ तक इस धरना प्रदर्शन को आगे धरना बराबर जारी रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक जाएगा, ये आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी, और अगर कोई नहीं सुनेगा तो यहाँ मनना मंजूर है, लेकिन ये धंधा नहीं हटेगा, हमारा हक हमको चाहिए। जो कुछ व्यापारी हैं, अभी आपने बोला कि जिलाधिकारी कार्यालय तक गए, आखिर व्यापारी जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे जिलाधिकारी वो दुकानदार नहीं गए हैं, उनको बरगला करके बहका करके कुछ चालाक लोग इन नगर निगम के एजेंट दलाल जो हैं वो ले गए हैं, नगर निगम के दलाल हाँ वो ले गए हैं, बाकी यहाँ दुकानदार कोई नहीं गया है। देखिए एक बड़ी बात है, जो नगर निगम की लगातार तालाशाही चल रही है नगर